शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिषागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी चर्चा आजकल गोचर के राहु देवता को लेकर चल रही है। वो गोचर में मूवमेंट में आने से अलग अलग भावों में या अलग अलग लग्न कुंडलियों में कैसा फल देने में सक्षम हुए हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं इसके बारे में आजकल आपको विस्तृत जानकारी दूं। तो दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि गोचर में जो भी बदलाव ग्रहों का आता है वो सबके लिए एक जैसा नहीं होता। उसी भाव में, उसी लग्न कुंडली में आया हुआ ग्रह किसी जातक का पटा भी बिठा सकता है। उसी लग्न कुंडली में, उसी भाव में आया हुआ ग्रह किसी जातक का बेड़ा पार करने के लिए बहुत बड़ा रोल भी प्ले कर सकता है। तो गोचर जो होता है वो सदैव आपकी जन्म कुंडली पर आधारित होता है। अगर राहु शनि इकट्ठे हो गए हैं तो इससे डरने वाली कोई बात नहीं है। तो दोनों अति मित्र हैं और अपने गुरु के चरणों में गए हैं। जो शुक्राचार्य गुरु उनके हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि में ही गए हैं। तो इस बात को विस्तार पूर्वक डिस्कस करता हुआ आज अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूँ। आज हम बात करते हैं मिथुन लग्न की कुंडली की। मिथुन लग्न की इसलिए बनी क्योंकि लग्न में ही तीन नंबर लिखा है। तीन नंबर मिथुन राशि होती है। जो दर्शक नए हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं उनके लिए बता दूं कि तीन नंबर राशि मिथुन होती है और उसके स्वामी होते हैं बुध देवता। तो मिथुन लग्न की कुंडली में गोचर के राहु देवता का भ्रमण जो पंचम भाव में शुरू हुआ है, जहां ऑलरेडी शनिदेव 5 अगस्त को दोबारा विराजमान हुए थे या भ्रमण शुरू किया था, उसी के साथ वृश्चिक राशि को छोड़ करके तुला राशि में राहु देवता ने भ्रमण 23 दिसंबर 2012 को शुरू कर दिया है। और कुंडली के मूल त्रिकोण भाव में शनि राहु का बहुत ही सुंदर योग बना है। प्रिय दर्शकों, अगर आपकी जन्म लग्न कुंडली में यानी आपके नेटल चार्ट में राहु देवता पॉजिटिव पड़े हैं तो ये जो 3 साल बाद राहु देवता ने अपनी नीचता छोड़ी है, नीचता छोड़ करके अपने गुरु के घर गए हैं, अपने गुरु यानी शुक्राचार्य के घर गए हैं, वहाँ आने से वो क्या फल देंगे, इन फलों को मैंने 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया है ताकि आप इजीली समझ पाएं। सबसे पहले बात उन लोगों की करते हैं जिनकी जन्म लग्न कुंडली मिथुन की है और उनकी जन्म लग्न कुंडली में राहुदेव अच्छी स्थिति में पड़े हैं, अच्छे भाव में पड़े हैं, अपने मित्र के भाव में पड़े हैं या वो उच्च के पड़े हैं। तो उनके लिए ये गोचर में आया है राहुदेव का बदलाव कैसा होगा, पहले इसकी जानकारी समझ लीजिए। जिनके लिए अच्छे पड़े हैं या जिनकी जन्म लग्न कुंडली में अच्छे पड़े हैं, तो पंचम में जो उनका भ्रमण शुरू हुआ है राहुदेव का, तो पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे आपको पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे क्योंकि आपकी जन्म कुंडली ही गोचर का आधार है। अगर जन्म कुंडली में पॉजिटिव तो गोचर में बदलाव भी पॉजिटिव ही लेकर के आएंगे। तो पंचम भाव में आपकी स्टमक की कोई छोटी मोटी चल रही प्रॉब्लम होगी वो दूर हो जाएगी। आपको लव रोमांस में कामयाबी मिलेगी। आपको अनसर्टेन गेंस होने का योग बनता है। आपकी संतान से आपके रिलेशन मधुर होने का योग बनता है। आपकी संतान से आपका मनमुटाव दूर होने का योग बनता है। अनसर्टेन गेन होने का योग बनता है यानी अकस्मात कहीं से आपका पुराना रुका हुआ धन भी आने का योग बनता है क्योंकि आपकी जन्म लग्न कुंडली में ग्रह पॉजिटिव है तो यहाँ पर आया हुआ भी आपको पॉजिटिव फल देगा। तो पंचम भाव के रिगार्डिंग सारे पॉजिटिव फल। यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि पिता से रिलेशंस को मधुर करने में सहायक होगी। जातक धर्म पे आस्था रखने वाला होगा, प्रभु को मानने वाला होगा और प्रभु के प्रति झुकाव उसका बढ़ेगा। अगर विदेश यात्रा होगी तो वो भी उसके लिए लाभान्वित होगी और नवम भाव संबंधी भी सारे पॉजिटिव रिजल्ट उस जातक को मिलेंगे। यहां से जितनी दृष्टि 11वें भाव पर डाली तो 11वें भाव पर डाली हुई दृष्टि राहु की, धन का आगमन कहीं ना कहीं से जरूर होता रहेगा। धन के आगमन के साथ बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी अवश्य मिलेगी और अगर छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम आई तो वो चली अवश्य जाएगी। और राहु देवता की 7वीं दृष्टि जो 11वें भाव पर डाली
तो आपकी इच्छा पूर्ति करने में, जो कई पुरानी इच्छा आपकी चली आ रही हो उसे पूरी करने में राहु देवता सदैव सहायक सिद्ध होंगे। राहु देवता एक सपोर्टिव पिलर बन करके आपकी इच्छा पूर्ति करने में सदैव मददगार सिद्ध होंगे। यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट, एक न्यायप्रिय पर्सनैलिटी बना देंगे, पेशेंस इम्प्रूव कर देंगे, जातक की विल पार और मेमोरी पार को स्ट्रॉन्ग करने में सदैव सहायक होंगे। यानी कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों कि जिनका जन्म लगन कुंडली में राहु देव पॉजिटिव पड़ा है तो पंचम भाव संबंधी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से नवम भाव पर दृष्टि जो पंचम डाली वहाँ के पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से सप्तम दृष्टि ग्यारहवें भाव संबंधी डाली वहाँ भी पॉजिटिव रिजल्ट, यहाँ से राहु देव ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो वहाँ भी पूर्णतः आपको अपनी दशांतरा में या ये जो गोचर के मूव किए हैं यहाँ भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। लेकिन प्रिय दर्शकों इसकी बेसिक कंडीशन याद रखिएगा कि आपकी जन्म लगन कुंडली में पॉजिटिव होने चाहिए, तभी ये सारी चीज़ें आप पर अप्लाई होंगी। अगर प्रिय दर्शकों यही लगन कुंडली हो और आपके राहु देवता जन्म लगन कुंडली में खराब पड़े हों, नीच के पड़े हों, 6, 8, 12 में पड़े हों, डिग्री वाइज बलहीन होकर पड़े हों, या अशुभ प्रभाव में पड़े हों, या शत्रु राशियों में पड़े हों, तो यही रिजल्ट सारे जितने मैंने पॉजिटिव कहे ये टोटली नेगेटिव हो जाएंगे। अब आप देखिए कि लगन कुंडली वही है, वो पंचम भाव में ही सबके लिए मूव किए हैं जिनका भी मिथुन लगन है, लेकिन अगर जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़े हैं तो आपके लिए गोचर में भी पूर्णतः नेगेटिव रिजल्ट देंगे। तो पंचम भाव में आए हुए संतान को कष्ट देंगे, संतान से मनमुटाव होने का योग बनता है, पेट में प्रॉब्लम आने का योग बनता है, लवर मास में नाकामयाबी का योग बनता है, पंचम भाव से आपको अनसर्टेन लॉस का भी योग बनाते हैं। वही राहु देवता है प्रिय दर्शकों, वही लगन कुंडली है, तो आपकी जन्म लगन कुंडली आधार बन जाती है। अगर उसमें नेगेटिव हुए तो आपका गोचर में किया हुआ पंचम भाव का भ्रमण राहु देवता का पंचम भाव के रिगार्डिंग टोटली अशुभता के फल देता मिलेगा। यहाँ से जितनी दृष्टि नवम भाव पर डाली, नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि सदैव नवम भाव के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देती मिलेगी। पिता से मनमुटाव होगा, अगर विदेश यात्रा होगी तो बहुत ज़्यादा लाभ नहीं देने वाली होगी। अगर नवम भाव पर डाली हुई दृष्टि आपको धर्म से दूर लेकर जाएगी, जातक धर्म पे आस्था करनी भी छोड़ देता है और ये बात कह देता है कि परमात्मा मैं तो आपका इतना सिमरन करता हूँ, इतना पाठ पूजन करता हूँ, मंदिर गुरुद्वारे जाता हूँ, आप मेरा जब कुछ सवारते ही नहीं है तो मैं आपको मानने से इनकार करता हूँ, ऐसी स्थिति भी जातक क्रिएट कर लेता है जिनका जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़ा होगा। कहने का तात्पर्य कि नवम भाव संबंधी सारे पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो नेगेटिव मिलेंगे क्योंकि आपकी जन्म लगन कुंडली में वो नेगेटिव पड़ा है और पिता से भी अनायास ही मनमुटाव कहीं ना कहीं होने का योग बनता है और संतान से भी मनमुटाव होने का योग बनता है। यहाँ से राहु देवता ने जितनी दृष्टि ग्यारहवें भाव पर डाली, क्योंकि जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव हैं इसलिए ग्यारहवें भाव पर डाली हुई अशुभ दृष्टि भी ग्यारहवें भाव संबंधी अशुभता के रिजल्ट देगी। बड़े भाई बहन से भी मनमुटाव होगा, धन का आगमन आता आता रुकने का योग बनेगा, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, आपका काम बनता बनता बिगड़ भी सकता है, आप 99 पौड़ी चढ़ के भी वापस आने का योग वो राहु देवता बना देता है। और यहाँ से जितनी दृष्टि लगन पर डाली तो हेल्थ में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आने का योग बनता है, इरिटेटिंग पर्सनैलिटी जातक अवश्य बन जाता है और मेंटल पीस भी जातक की बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाती है, जातक अपनी पेशेंस बहुत जल्दी खो देता है। तो प्रिय दर्शकों कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ इतना कि अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता पॉजिटिव पड़े हैं तो पंचम भाव रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, नवम भाव रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट, ग्यारहवें भाव रिगार्डिंग पॉजिटिव रिजल्ट और लगन भाव संबंधी भी आपको पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट देते मिलेंगे। और अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देव नेगेटिव पड़े हैं तो वही राहु देवता पंचम भाव संबंधी भी अशुभता के रिजल्ट, नवम भाव संबंधी भी, ग्यारहवें भाव संबंधी भी और लगन संबंधी भी आपको पूर्णतः अशुभता के फल देते ही मिलेंगे। तो हमारे समझने की बात प्रिय दर्शकों सिर्फ इतनी सी है
कि आपकी जन्म लगन कुंडली ही गोचर का आधार मानी जाती है और राहु देवता और शनि देवता का एक साथ मिलना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है, क्योंकि दोनों अति मित्र होकर के अपने गुरु के घर चले गए हैं। और अगर कहीं आपकी जन्म लगन कुंडली में ये दोनों शुभ पड़े होंगे तो आप देखिएगा कि बहुत सारे आपके बिगड़े हुए काम भी इस वक्त में बनने का योग बनेगा। अगर आपकी जन्म लगन कुंडली में नेगेटिव पड़े होंगे तो आपको ये कभी अच्छा फल नहीं देंगे। तो आधार सदैव अपनी जन्म कुंडली को रखेगा। इसी वजह से मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता चला जाऊं कि आपकी जन्म लगन कुंडली की स्थिति क्या है, क्योंकि जन्म लगन कुंडली ये तय करती है कि गोचर में आई हुई मूवमेंट आपको क्या रिजल्ट देने वाली है। इसे एक ही धागे में पिरो देना कि ये तो जी सदैव शुभता का ही फल देंगे, ये तो सदैव अशुभ ही देंगे, ये बात पूर्णतः शास्त्र सम्मत नहीं है। चाहे आपकी लगन कुंडली सेम हो, चाहे वो एक ही राशि में पूरी सृष्टि के लिए मूव किया हो, लेकिन हर जातक के लिए वो फल अलग अलग लेकर के आएगा। ये इंडिविजुअल कुंडली टू कुंडली वेरी करता है कि आपका गोचर में आई हुई मूवमेंट कैसा फल देने वाली। किसी के लिए तो वही गोचर की आई हुई मूवमेंट सदैव आपको पॉजिटिव फल देती मिलेगी, जिसकी जन्म कुंडली में पॉजिटिव वो आपको राइजिंग के फल देगी, और किसी जातक के नेगेटिव पड़े हैं तो वही गोचर में आई हुई मूवमेंट आपका पट्टा बिठाने के लिए बहुत मेजर रोल प्ले करती है। तो इसको एक तरीके से सोचना पहले तो बंद कर दीजिए, अपनी जन्म लगन कुंडली को आधार बनाइए अपने गोचर का, ताकि आपको इसकी सही विवेचन करने में कोई दिक्कत परेशानी ना आए। अगर पहली दूसरी बार आपको ये बात समझ में ना आए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में ग्रह की स्थिति क्या है, तो किसी विद्वान के पास जाइए, आपके आसपास जो भी विद्वान हो उनकी मदद लीजिए। किसी विद्वान के पास जा कर के पूछिए कि आपकी जन्म लगन कुंडली में राहु देवता की स्थिति क्या है। अगर वो राहु देवता की स्थिति पॉजिटिव बता दें तो समझ लीजिएगा कि आपको उसके बदलाव में आने से पूर्णतः पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, जिस भाव में भी वो गए हैं और जहां उनकी पंचम सप्तम और नवम दृष्टि पड़ते हैं, क्योंकि राहु देवता की प्रिय दृष्टि को तीन दृष्टियां होती हैं। जहां वो बैठते हैं अपने से पंचम घर को पूर्ण असर डालते हैं, जहां वो बैठते हैं अपने से सप्तम घर को पूर्ण असर डालते हैं, जहां वो बैठते हैं अपने से नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं और वहां उनका पूर्ण असर होता है। तो इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा कि ये जो योग बना है ये डरने वाला या घबराने वाला योग नहीं है, ये बहुत ही सुंदर योग बना है जो बहुत लंबे समय बाद बनता है। तो ये एक बहुत अच्छा योग है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो किसी विद्वान की सही दिशा में मदद लीजिए और सही रेमेडियल मैयर करके इस अच्छे योग से लाभान्वित होने का रास्ता ढूंढिए। तो प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे देता हूँ, नोट कर लीजिए। अगर आपको छोटी मोटी स्किन की कोई प्रॉब्लम रहती हो तो मॉर्निंग टाइम में खाली पेट आप एक तुलसी का पत्ता अगर खा लेते हैं तो आपकी छोटी मोटी जो भी स्किन की प्रॉब्लम होगी वो बहुत जल्द दूर होने का रास्ता ढूंढ लेती है, क्योंकि बुद्ध देव स्किन के कारक माने जाते हैं और तुलसी हमारी सृष्टि की सबसे बड़ी एंटीबायोटिक मानी जाती है। सादा एक पत्ता तुलसी का धो करके अगर मॉर्निंग टाइम आप उसे खा लेते हैं और बाद में एक गिलास सादा पानी पी लेते हैं तो जितना मर्जी स्किन का लंबा चला आ रही प्रॉब्लम होगी वो दूर होकर के आपको रिलीफ का रास्ता अवश्य दे देगी। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ, हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ, शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।